पर नहीं है बहादुर, दिन क्या होगा बता लो, कितने पैसा ले जाइए। ऐसी अभी तक आप लोगों में धारणा, अभी तो हमें समझ ही नहीं पाए महाराजी, अभी समझ ही नहीं पाए। चलो हम इसमें खुश हैं कि आप लोगों ने हमें किया, वो याद नहीं करते तो हम शिकायत करते। देखिए आज कलिकाल के दूषित प्रभाव से जनमानस बुरी तरह से कराह रहा है, किसान बुरी तरह से कराह रहा है, रो रहा है, जनमानस बुरी तरह से पीड़ित हो गया है। भागवत में एक बात आई है, मानस में भी आई है कि जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी हो जाती है वो राजा नरक का अधिकारी होता है। मैं नहीं कह रहा, भागवत कह रही है, रामचरित मानस कह रहा है कि जास राज प्रिय प्रजा दुखारी सो निरप अवश्य नरक। जैसे राजा के राज्य में प्यारी प्रजा दुखी हो जाए तो राजा नरक का अधिकारी होता है। चाहे ये मान लीजिए कि कलिकाल का प्रभाव है, चाहे मान लीजिए, अब आप अपने हिसाब से कुछ भी मानिए, लेकिन जनमानस पूरी तरह से पीड़ित है, करा रहा है। तो हम तुम सब भगवान से प्रार्थना करोगे कि दशा मुझो तीन के भगवान समालो गे तो क्या हो। के पास में हाथ है, ईमानदारी से बताओ किन-किन के पास हाथ है। अगर आप लोगों के पास में हाथ हो तो कम से कम ताली बजाओ, तो मान लो हाथ नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर हाथ है तो ताली बजाइए। काया शुद्ध हो जब ब्रज की रज लगे और माया शुद्ध हो काम के करे, मोह शुद्ध हो जाते राम नाम लेवे करो और पैर शुद्ध हो तो धाम वृंदावन जाए, कान शुद्ध हो तो जब प्रभु की कथा सुनो और आंख शुद्ध होते हैं प्रभु दर्श के कराए। और बताए
ये ज्ञान सुनो सत्संग की चर्चा करो रूप शुद्ध होते है चरणों के झुकान तो मस्तक शुद्ध होते संतों के चरण लागे और रसना शुद्ध होते प्रभु गाए भगवान जो सती शास्त्री है ना उनके सुपुत्र साहब है मोहित कुमार के इनका एक चैनल चल रहा है और चैनल वाले आएंगे अभी और ये पुरस्कार हमारे चश्मे वाले हर्षित कुमार जी बड़े हर्ष के साथ और आशीष कुमार जी ये इससे एक रुपए का पुरस्कार किया भगवान से हम तो यही कामना करते हैं कि फूलों की तरह आनंद में फूलते फलते रहो और बड़े होकर के माता पिता की सेवा करिए यही हमारा आपके लिए आशीर्वाद है कोई ना कोई पाप होता है ये लज्जा दोनों नामों की राघव जी प्रधान जी के नाती जी ये पुरस्कार आया है उनका फूलों की तरह आनंद में फूलते फलते रहे तालियां तो तुम पापन